सी स्ट्रक्चर, वाई यूज स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है, हम लोग उसको यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग उसका सिनारियो जान लेते हैं कि सिनारियो में अगर हमें कोई मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अगर स्टोर करने हैं, ठीक है, अगर हमें कोई भी ऐसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है जिसमें हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे किसी की डिटेल्स को स्टोर करना है, कैसे डिटेल्स स्टोर करना है, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, नेम और मार्क्स, ठीक है। इस फॉर्मेट में मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे रोल नंबर 1001 डालता हूँ, नेम में डालता हूँ अरविंद, ठीक है, और उसका मार्क्स डाल देता हूँ 78, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मुझे मल्टीपल डिटेल्स चाहिए, ठीक है। रोल नंबर का डेटा टाइप अलग होगा, ठीक है, नेम अलग होगा, मार्क्स अलग होगा, ठीक है। अब रोल नंबर में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, कैसे मल्टीपल वैल्यूज, जैसे 1002, ठीक है, और किसी का नेम बताएंगे क्या, डाल देता हूँ प्रांजल, ठीक है, ठीक है, प्रांजल डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए 91, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे 1003 यहाँ पे डाल देते हैं युवराज, ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं 89, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे रोल नंबर में तीन वैल्यूज को स्टोर किए, नेम में हम लोग तीन वैल्यूज को स्टोर किए, और यहाँ पे मार्क्स में भी हमने तीन वैल्यूज को स्टोर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम लोग के पास अगर मल्टीपल वैल्यूज लेना है तो हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है एरेज, ठीक है, एरे। तो हम लोग इसका क्या बना सकते हैं, रोल नंबर का एरे हम लोग बना सकते हैं, नेम में भी हम लोग एरे बना सकते हैं, मार्क्स के लिए भी हम लोग एरे बना सकते हैं, और हम लोग रोल नंबर में 1001, 1002, 1003, ठीक है, नेम में अरविंद कॉमा प्रांजल कॉमा युवराज, इस प्रकार से हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। मार्क्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 78 कॉमा 91 कॉमा 89, इस टाइप भी हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और हम लोग तीनों को क्या कर सकते हैं, उसकी इंडेक्स वैल्यू से, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 0 1 और 2, इंडेक्स वैल्यू 0 1 और 2, इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एरे हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप से, ठीक है, फॉर लूप हम लोग लगाएंगे और उससे एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, जब अगर हम लोग कोई ऐसा डिटेल्स हम लोग स्टोर करना चाहते हैं जिसमें हम लोग को सभी का इंस्टेंस मिले, मींस मान के चलो कि हम लोग एक फील्ड है, इस फील्ड में हम लोग लिस्टिंग करने चाहते हैं, बहुत सारे वैल्यूज को डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ये एक तरीका है कि हम लोग एरे क्रिएट करें, एरे में हम लोग एक 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 वैल्यू डालते जाएं और हम लोग उसमें जो भी वैल्यूज है, जो भी एलिमेंट्स है, सबको हम लोग इंडेक्स वैल्यूज से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। तो हम लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइप के टेबुलर डेटा या फिर हम लोग इस टाइप का अगर डेटा हम लोग लेना चाहते हैं, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये डिटेल्स किसके पास होते हैं, स्टूडेंट के पास होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब एक सिंगल क्लास में एक स्टूडेंट तो होंगे नहीं, है ना, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। जैसे बीसीए फर्स्ट ईयर के हम लोग अगर बात करें तो बीसीए फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, अराउंड 46 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 46 स्टूडेंट्स के अलग अलग डिटेल होंगे, उनका रोल नंबर अलग होगा, नेम अलग होगा, मार्क्स अलग अलग होंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग कोई एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि जिसमें एक रोल नंबर फील्ड हो, एक नेम फील्ड हो और एक मार्क्स फील्ड हो, ठीक है। और ये तीनों फील्ड को मिला के हम लोग क्या बोले, स्टूडेंट बोले, ठीक है। तीनों फील्ड्स को हम लोग मिला के क्या बोले, स्टूडेंट बोले, ठीक है। और हम लोग इस स्टूडेंट का क्या बनाए, वेरिएबल बनाए, और उस वेरिएबल के अंदर तीन चीजें हम लोग को मिल जाए। क्या मिल जाए, रोल नंबर मिल जाए, नेम मिल जाए और मार्क्स मिल जाए, ठीक है। हम लोग जिस स्टूडेंट का बनाना चाहते हैं उस स्टूडेंट का हम लोग वेरिएबल बना ले, और हम लोग को उस वेरिएबल के अंदर में तीन फील्ड्स डालने के ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग कुछ एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ओके। इन सी देयर आर केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एंटिटी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ओनली, ठीक है। कभी कभी हम लोग को ऐसी जरूरत पड़ती है जब हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को स्टोर करें किसी भी एक एंटिटी का। एंटिटी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक एंड पॉइंट डिवाइस हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट में तो कोई भी वस्तु हो सकती है, इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस एंटिटी का हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी इंफॉर्मेशन जो उसकी हो वो सेम टाइप की हो, हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा हम लोग लेना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ठीक है। तो रोल नंबर क्या होगा, रोल नंबर नंबर टाइप का है, इंटीजर टाइप का होगा। नेम क्या है, वो कैरेक्टर्स टाइप के होंगे, ठीक है। मार्क्स क्या है, वो भी इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग डेटा टाइप के हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। इट कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी स्टूडेंट्स मे हैव इट्स नेम, जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे, रोल नंबर जिसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, मार्क्स फ्लोट भी रह सकता है, इंट भी रह सकता है, दोनों में से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग तीनों अलग अलग डेटा टाइप के एट्रीब्यूट्स हम लोग लेना चाहते हैं, तो सबको हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, एंटिटी स्टूडेंट, ठीक है। टू स्टोर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एंटिटी स्टूडेंट वी हैव द फॉलोइंग अप्रोचेस, ठीक है। तो हम लोग को इस टाइप के मल्टीपल डेटा टाइप्स अगर स्टोर करना है और मल्टीपल डेटा टाइप्स के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम लोग को स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास एक दो अप्रोच है यहाँ पे। सबसे पहला, कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरेज फॉर स्टोरिंग नेम्स, रोल नंबर्स एंड मार्क्स, ठीक है। इंडिविजुअल हम लोग क्या करेंगे, एरेज क्रिएट करेंगे नेम्स के लिए, रोल नंबर्स के लिए और मार्क्स के लिए, ठीक है। सेकेंड, यूज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये है कि हम लोग एरे क्रिएट कर लें, जिसमें हम लोग एक एरे में नेम स्टोर करें, दूसरे में रोल नंबर स्टोर करें, थर्ड में मार्क्स को स्टोर कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड क्या है कि हम लोग एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बना लें जिसमें हम लोग उस डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स के कलेक्शन को हम लोग रख लें, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट अप्रोच जो है वो हमारा इस प्रोग्राम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हमने लिया void main, ठीक है। सबसे पहले char names of 3, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, ठीक है। नेम्स जो है उसका साइज 3 है, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एक्चुअल में 2 डायमेंशनल एरे होना चाहिए, मैंने 3 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 10, ठीक है, ओके। 2 डायमेंशनल एरे हम लोग लेंगे, मतलब सिंगल 3 रो रहेगा और 3 रो में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। 2D एरे है, ठीक है, क्या है, 2D एरे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंट रोल नंबर लिया, रोल नंबर का साइज 3 है। फ्लोट मार्क्स हमने लिया, मार्क्स का साइज भी 3 है,
मीन्स हम लोग यहाँ नेम्स कितने स्टोर कर सकते हैं, 3 नेम्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, हर एक नेम में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे नेम्स इज यूज टू स्टोर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इंट रोल नंबर जिसकी साइज 3 होगी, ठीक है, मीन्स जो एरे है उसका साइज 3, मतलब 3 रोल नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स में भी हम लोग 3 मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एरे तो डिक्लेयर कर दिए, अब इस एरे में हम लोग को वैल्यूज डालनी है। तो हम लोग कैसे डालेंगे, एरेज को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका अवेलेबल है, कौन सा, फॉर लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लूप लगाए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, साइज 3 है सभी का। ठीक है, साइज 3 है सभी का, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके लेस देन 3 तक चलाएंगे, मीन 0, 1 और 2। ठीक है, 3 बार लूप चलेगा, सबसे पहले 0 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद 1 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद 2 के लिए चलेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ एंटर द नेम कॉमा रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट परसेंट डी। ठीक है, आई प्लस 1, मतलब परसेंट डी की जगह आई प्लस 1, आई की वैल्यू अगर 0 होगी रहेगी तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैनएफ से हम लोग क्या कर लेंगे, परसेंट एस यहाँ लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद परसेंट डी परसेंट एस, नेम के लिए हम लोग परसेंट एस यूज किए क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर है। ठीक है, एक स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 डायमेंशनल हम लोग ने एरे क्रिएट किया जिससे हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो यहाँ परसेंट एस हम लोग लिखेंगे और नेम्स ऑफ आई। ठीक है, तो 0 थ्रो में क्या करेगा, नेम को इनपुट ले लेगा, रोल नंबर में भी 0, इंडेक्स में इनपुट ले लेगा और मार्क्स में भी 0, इंडेक्स में इनपुट ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार आई इक्वल टू 0 के लिए हमने नेम रोल नंबर और मार्क्स हमने एंटर कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डमी एक कैरेक्टर हम लोग एंटर करेंगे जिससे वापस से लूप क्या करेगा, बढ़ेगा, और ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 के लिए लूप चलेगा और 2 के लिए लूप चलेगा, तीनों के लिए हम लोग ये सारे नेम्स रोल नंबर और मार्क्स और ये डिटेल्स जो है वो हम लोग एंटर कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग का जो एरेज में है वैल्यू स्टोर हो चुकी है, अब क्या करेंगे हम लोग उसको एक्सेस कर लेंगे। एक्सेस करेंगे प्रिंटिंग द स्टूडेंट डिटेल्स, और इस टाइप का हम लोग परसेंट एस परसेंट डी परसेंट एफ लगा के नेम्स रोल नंबर्स मार्क्स इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो आउटपुट हम लोग को कुछ इस प्रकार का देखने मिलेगा, एंटर द नेम रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 1 अरुण 1991, ठीक है, 2 अरुण 1956, 3 श्याम 89। ठीक है, लास्ट वाले इसको इग्नोर करो, ठीक है, बस ये वाले मार्क्स को देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है, इसीलिए लास्ट वाला गलती से आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार की डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये हमने एंटर किया 1 अरुण 90, ठीक है, सॉरी अरुण 1991, ठीक है, ओके ओके, स्टूडेंट 1 मतलब ये वाला है, सॉरी। ठीक है, अरुण नेम है, ये रोल नंबर है और ये मार्क्स है। ठीक है, नेम रोल नंबर मार्क्स, नेम रोल नंबर मार्क्स। ठीक है, इस टाइप से हमने डिटेल यहाँ पे एंटर कर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर लिया, ये वाले लूप लगा के हमने उसको प्रिंट कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब जो हम लोग यहाँ जो समझते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, और जो कंपाइलर समझता है, मतलब जो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो बहुत सारे हॉचपॉच टाइप का लगेगा उसको, वो तो कर लेगा कंपाइलर जो है, इसको एग्जीक्यूट जरूर कर लेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी हो बढ़ जाएगी उसकी, मतलब जिस टाइम पे वो एग्जीक्यूट होना था, जैसा उसको स्ट्रक्चर बनाना था वैसा नहीं बना पाएगा।
मीन्स सीधी सी बात है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम लोग एक टर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जब कोडिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है और थोड़ी बल्की हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको बहुत सारे डिटेल में आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या होगा, हम लोग यहाँ ज़्यादा डिटेल्स नहीं ले पाएंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे हमने 3 साइज दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 3 डाल पाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने एरे का साइज कितना डिफाइन किया है, 3 ही डिफाइन किया है। अगर हम लोग 50 डालना चाहें तो नहीं डाल पाएंगे, हम लोग को प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम लोग को रन टाइम पे पहले इनपुट देना पड़ेगा कितना हम लोग उसमें एंटिटी की डिटेल्स वहाँ डालने हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग को पहले से वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये वाला अप्रोच जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है बहुत सारे जगह पे। क्यों सक्सेसफुल नहीं होता है, यहाँ पे देखते हैं। द अबव प्रोग्राम में फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी स्टूडेंट। जो ये प्रोग्राम है फुलफिल तो कर रहा है, हाउ एवर द प्रोग्राम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द इनपुट, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या होगा, इनपुट जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द एरे आर स्टोर्ड कंटिजियसली बट ऑल द एरेस मे नॉट बी स्टोर्ड कंटिजियसली इन द मेमोरी, ठीक है। एरे में एलिमेंट जो है वो कंटिजियसली स्टोर हो रहे हैं, लेकिन वो एरे जो है वो कंटिन्यूसली स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। सी प्रोवाइड्स यू विद एन एडिशनल एंड सिंपलर अप्रोच वेयर यू कैन यूज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रक्चर इन विच यू कैन ग्रुप ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप रिगार्डिंग एन एंटिटी। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, बार बार हम लोग को इनपुट ना लेना पड़े, ठीक है, अमाउंट ऑफ इनपुट को कम करने के लिए हम लोग के पास एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल किया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर सकते हैं। किसी भी एक एंटिटी का हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्रुप करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एक यूज करते हैं जिसका नाम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।